तो आप कैसे चेक करेंगे, और ये एक्सेसिबिलिटी कैसे रोज इंश्योर करेंगे कि रिटेलर्स तक पहुंच जाए? तो इट्स 100% अवेलेबिलिटी इज मोर क्रूशियल एन इशू देन प्राइस. प्राइस तो नेचुरली हो जाएगी रिजॉल्व अगर अवेलेबिलिटी आ गई तो. सही बात कर लेते हैं, कॉलर हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम ख्वाजा शाहिद है जी. ख्वाजा साहब, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ. परसों इतवार की बात है, मैं ये हमारे घर के पास काला पुल पे सी एस डी की कंटीन बहुत बड़ी है, वो 50 साल पुरानी है. वहाँ चने की दाल परसों में लेके थी 85 रुपए किलो थी, और जोड़िया बाजार में 60 रुपए किलो है. तो मैंने उनको कंप्लेन लिखवाई है. मैंने कहा आप लोग तो कंटेनर लेते हो तो आपको सस्ती मिलनी चाहिए, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. जब हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये आर्मी सीएसडी के ये काम करेंगे तो छोटे वाले तो सब चोर बन जाएंगे. जब तक हमारा अपना हेड ऑफ द स्टेट सही नहीं होगा तो कभी नहीं होगा. जब तक आपके चैनल का जो ऑनर सही होगा तो आपके सारा स्टाफ कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता. जब आपका मालिक ही सही नहीं होगा तो सब फेरी फेरी करेंगे. ये कब तक आवाम को पागल बना देंगे? महंगाई थी टॉप पे हो गई है, या तो लोग गरीब एक टाइम रोटी नहीं खा रहा, रोटी नहीं खा रहा, दूध पीना बंद कर देगा. यहाँ बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी. राहत, आई थिंक ये उनका अपना एक कमेंट था. बिल्कुल. अभी मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि आपके इदारे के लिहाज से बात कर लेते हैं कि जिन मकासद के लिए आप लोग इस इदारे को लेकर आए हैं, आप समझती हैं कि वो मकासद पूरे हो रहे हैं और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह होंगे भी क्या? जी बिल्कुल, अल्लाह का फजल है कि हमने 3 साल में बड़ा अनथक काम किया है और हमें ग्लोबल लेवल पे खासी रिकग्निशन मिली है. नेशनल लेवल पे भी मेरा ख्याल है कि जितना हमने काम किया है शायद उसका इतना सराहा नहीं जा सका है, और उसकी मैं किसी को उसकी वजह क्या है? नहीं करती. उसकी शायद ये हो सकती है कि इम्पैक्ट जो है ना वो ओवरनाइट नहीं होता. इम्पैक्ट किसी चीज़ का जब आप कोई एक्शन लेते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट कैसे आया. लेकिन चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं. मैं आपको कोई मिसाल अगर एक हाँ मतलब जैसे हमने सीमेंट कार्टल में जब शुरू शुरू में एक्शन लिया, फाइन किया, उस पर कीमतें बोरी की सीमेंट बोरी की 100 रुपए कम हो गई थी. ठीक है, फिर वो ऐसा ऐसा फिर वो नॉर्मल हो गया क्योंकि वो रताल खाते में चीज चली गई है, अब वो पेंडिंग है. अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे इकट्ठा होके सब एक वो बना लेते हैं कि भाई हमने मिली भगत करते हैं, कार्टल फॉर्म हो जाते हैं. देखिए वही मैं जो लोअर प्राइसेस के लोअर हमने नीचे कर ली तो फिर आपको क्या है, ये तो हमने बड़ा बरादराना डिसीजन किया. बात यह है कि जब आप फ्री कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं और मिलकर के चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें वो यू नो डिफरेंस बिटवीन मैंगोज एंड पियर्स और एप्पल्स एंड पियर्स नहीं रहा, सब एक ही इसमें हो गए. और उसके बाद आपने क्या किया कि बेसिकली आपने ये चीज ही उसमें से हटा दी. बात तो ये कंपटीशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो सबसे बेहतरीन होगा वो रह जाएगा, नाकारा लोग निकल जाएंगे. तो आपने नाकारा लोगों को इस मार्केट में रहने के लिए थोड़ा सा मिक्स सहारा दे दिया और उनको मिक्स कर दिया. और कहने को तो आपने ये कहा कि जी हम प्राइस लो कर रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुमकिन था कि अगर आप इकट्ठे ना होते तो शायद वो आपसे भी लो ऑफर करता और उसमें कॉम्पिटिशन हो जाता कि मैं तुमसे कम कीमत पे ये ऑफर कर रहा हूँ. तो ये चीज बड़ी समझने की है कि कॉम्पिटिशन क्या है. कॉम्पिटिशन आइडेंटिफाइज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. आप किसी भी इकोनॉमी में कोई बेहतरी नहीं ला सकते अगर वहां पे आपने एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं. और एक और बात, कंपटीशन लॉ तो कंपटीशन पॉलिसी का एक छोटा सा हिस्सा है. लोग हमेशा कहते हैं कि जी आपने कंपटीशन लॉ इन्फोर्स नहीं किया इसलिए कंपटीशन पॉलिसी हमारी खराब है. कंपटीशन लॉ एक कंपटीशन पॉलिसी हुकूमत की होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में होती है. अब हमने इसमें देखा जैसे शुगर में और बाकी की केसेस में भी स्टेट इंटरवेंशन है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल्स हैं, सब्सिडीज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम देते हैं तो फिर ये फ्री मार्केट में डिस्टॉर्शंस लाती हैं. फ्री मार्केट का मतलब है आप लोगों को खुली मार्केट दें, कोई कैद ना रखें, कौन कितना प्रोड्यूस करता है, कितना लाता है, क्या कीमत रखता है, इन सब चीजों को सप्लाई और डिमांड के इस पर छोड़ दें. सही, ठीक है, तो फिर आपकी फ्री मार्केट होगी, फिर हेल्दी कंपटीशन होगा और फिर इकोनॉमी ग्रो और कंज्यूमर को भी इससे फायदा होगा. लेकिन लोगों का अक्सर ये ख्याल है कि हम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो जी मुसाबकती कमीशन ने क्या किया, तो हम कीमत रेगुलेट अगर हम करें तो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि वो एंटी थीसिस होगा, बिल्कुल उलट होगा जो इस मकसद के लिए हम बने. आप बहुत अच्छी बातें करी हैं, मुझे पसंद भी आ रही हैं आपकी बातें कि हमारे भी फायदे की इसमें बातें हैं. ले लेते हैं कॉल, उसके बाद फिर देखते हैं कि मैं आपसे आगे क्या पूछने जा रही हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर कमाल मुस्तफा है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम उमरकोट. जी बोलिए. उमरकोट सिंध जी. अच्छा जी, मैडम से यही रिक्वेस्ट थी कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेट पे अवेलेबल है, तो नेट की जहाँ पे इतने कंज्यूमर जो है इंटीरियर सिंध में कम है, तो आपकी इंफॉर्मेशन कोई किसी पेपर में या
इस जगह आ जाए तो आपसे रब्ता हो सके। जी जी बिल्कुल, हम आपको सारे नंबर्स हेल्प लाइंस ये इंशाल्लाह इसी हफ्ते में एडवर्टाइज कर देंगे ताकि आप सारे लोगों को मिले, अखबारात में पब्लिश हो जाएगा, टीवी पे भी हम बिजनेस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खास तौर पे करें ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि हम तक इनकी और दस्तरस नहीं। जी और कोई बात करेंगे? दूसरी बात ये है कि जो प्राइसेज है ना, जो बिग सिटीज में जो प्राइसेज है वो ज्यादा है, जैसे जैसे आप आगे चले जाते हो लोअर सिंध में या इंटीरियर सिंध में तो प्राइसेज कम हुए उसी चीज की, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो दूसरी चीज हो, तो ये भी एक बड़ा मुझे समझ में नहीं आती ऐसा क्यों होता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा मैं आपसे ये बात करने लगी थी, जैसे इन्होंने भी बात की कि लोअर सिंध की तरफ चले जाएं प्राइसेस कम होती, वो तो शायद इसलिए कि उन लोगों की रेंज तक पहुंच सके, वो उस प्राइस पे को ले सके, उनके उस पे रखते होंगे। क्या वजह ये भी है जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइसेस पे मेरा कोई वो नहीं है, मैं प्राइसेस रेगुलेट नहीं करती, ये हुकूमत सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है। दूसरा कि एक बिजनेसमैन है वो एक प्रॉफिट बनाना चाहता है उस पे कम या ज्यादा। सो फार चले थोड़ा सा टाइम रह गया, 2-3 मिनट हमारे पास रह गए, आपसे लास्ट में ये बात कर लेती हूँ कि आपकी जो ये कमीशन है इसका दायरा कार कहाँ कहाँ तक है और किस तरह और आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे? जल्दी से इसका जवाब मैं ये दे सकती हूँ कि हमारे 4 सतून हैं बेसिकली। आप 1.5 मिनट में दे सकती हैं। अच्छा, हमारे 4 सतून हैं जो प्राइमरीली हम जिसको कंपटीशन या मुसाबकती कानून का बिल सतून कहते हैं। पहला है जी बालादस्ती का गलत इस्तेमाल। सही, ठीक है। कोई भी कंपनी है जो मार्केट में डोमिनेंट पोजिशन है जो, और उसको वो अब्यूज़ करती है। अब्यूज़ किस तरह करती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम ले जाती है जिसकी लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन नहीं है, या किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ क्लब करके बेचती है कि ये लो तो मैं ये दूंगा इस तरह की, या किसी को एक्सक्लूड कर देती है कि तुम मेरे साथ इसमें आ ही नहीं सकते हो, किसी एक खास शख्स को डिस्क्रिमिनेशन के साथ टारगेट करती है, एक्सक्लूड करती है, या बिल्कुल प्राइसेस नीचे कर देती है ताकि बाकी सारे मार्केट से निकल जाएं और कॉम्पिटिशन रहे, तो बाद में उसको वो अब्यूज कर लें और अपनी प्राइसेस एकदम मुनाफा रिकवर कर। तो ये हो गया बालादस्ती का गलत इस्तेमाल। दूसरा जी हमारा मर्जर्स एंड कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि जब आप एक बड़ी मछली, इसको मैं आम फहम जमाने में ये कहूंगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को अगर निगलने की कोशिश करेगी, ठीक है, और हम ये समझेंगे कि उससे मुसाबकत मार्केट में कम हो रही है, तो हम उसके ऊपर एक तो हो सकता है अप्रूव ना करें, दूसरा अगर अप्रूव करें तो उसमें हम कंडीशंस लगाएंगे कि ये चीजें जो है वो गलत है। तीसरा है हमारा जनाब प्रोहिबिटेड अग्रीमेंट, जिसपे हम ये कार्टेल कट जोड़ प्राइस फिक्सिंग क्वांटिटी प्रोडक्शन पे कैपिंग कर दें या टेरिटोरियल एलोकेशन कर दें, ये इस चीज से डील करते हैं। और लास्ट जैसा मैंने पहले जिसपे हम सेक्शन 10 पे बात करते हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग है, यानी कि आप मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन ना डिस्ट्रीब्यूट करें, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसके बारे में दुरुस्त आगाही सार्फीन तक पहुंचाएं, वरना आप कल्पेबल हैं हमारे लॉ के तहत। हमारी जो पेनल्टी है वो ये है कि हम 75 मिलियन तक इम्पोज कर सकते हैं या 10% ऑफ द टर्नओवर। ऐसी पेनल्टीज और शायद किसी इदारे में इतनी बड़ी ना हो, शायद एक दो पीटीए वगैरह के पास हो, लेकिन हमारी पेनल्टीज बहुत ह्यूज हैं, तो हम पे जिम्मेदारी भी बहुत ह्यूज है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। हमारे यहाँ एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आप ऑल्दो ये कंपटीशन लॉ अलग चीज है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिफरेंट चीज है, लेकिन क्योंकि मैंडेट दोनों का इन द एंड पब्लिक वेलफेयर ही है, ये मैंने जो पंजाब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो ये मैंने देखा है कि उसमें क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपनसेशन नहीं है। तो उसमें मेरे ख्याल में कोर्ट्स को जो मेरे वकीलों से गुफ्तगू हुई है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जी छोटी चीज है तो उसके लिए करोड़ों का उन्होंने क्लेम डाल लिया है और मिले 10,000 रुपए हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमें कानून में कोई पैरामीटर डालना चाहिए, कोई गाइडलाइन डालनी चाहिए कि क्वांटिफिकेशन ऑफ डैमेजेस किस बेसिस पे होगी, क्या एक्चुअल लॉस पे होगी नहीं होगी, ताकि लोगों को भी गाइडलाइन मिले, क्योंकि हर चीज जो यूज होती है वो अब्यूज भी होती है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत अच्छा लॉ है और उसको चाहिए कि उसका अगर फायदा एंड कंज्यूमर को पहुंचाना है तो उसमें ये सारे आपके जो है ना प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि बेसिक आपका यही कि आपने एक कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना है जब भी आप इस मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे कहूंगी आपको बहुत शुक्रिया राहत कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और आपके आने से मुझे ही पता चला कि कंपटीशन कमीशन है क्या चीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन आपसे कहूंगी यहाँ पे कि कोई भी हक जो है ना उस वक्त तक हमें नहीं मिल सकता जब तक हम उसके लिए फाइट ना करें। इसी बात के साथ महनूर सैयद को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।